खटीमा तहसील क्षेत्र के पचौरिया ग्राम निवासी जनजाति समाज की विवाहिता नीतू राणा की 25 और 26 जुलाई के आसपास उसके पति और परिजनों द्वारा हत्या करने का मामला सामने आया था। आज खटीमा तहसील व कोतवाली का घेराव कर नीतू राणा के परिजन व मंगल दल की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से मांग की कि नीतू राणा की हत्या का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए आरोपी पति को सजा दिलाई जाए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने एसडीएम खटीमा को इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन करने वाले परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार खटीमा के पचौरिया निवासी नीतू राणा की शादी 4 फरवरी 2021 को मुडेली निवासी विनीत राणा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही नीतू का दहेज को लेकर उसके पति व अन्य ससुराल वालों ने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। नीतू राणा जहां हरिद्वार स्थित डेंसो कंपनी में कार्यरत थी, वहीं कोतवाली ज्वालापुर के अंतर्गत किराए पर रहती थी। 23 जुलाई को उसका पति विनीत हरिद्वार नीतू के कमरे में राशन पहुंचाने गया था। 24 जुलाई को उसके द्वारा नीतू को शिवरात्रि पर देहरादून घुमाने पर और इसके बाद 25 व 26 जुलाई के बीच विनीत ने नीतू को कमरे में उसके साथ मारपीट की और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि 25 जुलाई की रात को नीतू का 1:30 बजे फ़ोन कॉल अपनी छोटी बहन महिमा को आया था। नींद में होने के कारण महिमा वह फ़ोन नहीं उठा पाई, तभी से नीतू राणा लापता है। हालांकि इस दौरान 12 अगस्त को हरिद्वार जिले के कस्बा लढोरा कोतवाली मंगलौर में एक महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त अज्ञात शव के तौर पर कपड़े और पैर में चोट के निशान को देखकर नीतू के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा शव को अज्ञात दर्शाकर उन्हें शव नहीं दिया गया है। नीतू के माता पिता का ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए लिया गया है, परंतु अभी तक उस जांच की भी रिपोर्ट नहीं आई है। मजबूर होकर परिजनों ने आज तहसील और कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की है। इस मामले में खटीमा सीओ मनोज ठाकुर के अनुसार उनके पास पीड़ित पक्ष पहले भी आ चुका है। इस मामले में हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने की बात कही गई है, इसलिए आज फिर परिजनों को समझाया गया है कि मामला हरिद्वार क्षेत्र का होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हरिद्वार एसएसपी से वार्ता कर अग्रिम कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। देखिए, नीतू राणा के परिजन पिछली बार भी मुझसे मिल चुके हैं और आज भी कई लोगों के साथ मेरे सामने आए थे, परंतु इनके द्वारा खुद ही बताया जा रहा है और ये अपनी एप्लीकेशन में भी यही लिखा है कि हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में इनका मुकदमा दर्ज है और वो भी जो इनकी बहन है इनकी गुमशुदगी का मुकदमा है और अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कहाँ पर है, वो मृत है या जीवित है। एक डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया कि वो मिली है और उसके डीएनए सैंपल के लिए डीएनए सैंपल परीक्षण के लिए एफएसएल देहरादून जा रखा है, उसकी रिपोर्ट आना शेष है। तो मेरे द्वारा इन्हें यही समझाया गया कि इसमें पहली बात तो ये है कि कार्रवाई हरिद्वार कोतवाली से होनी है और तभी संभव है जब वो डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और इसके लिए मैंने इनको समझाया है कि ये एसएसपी हरिद्वार सर से मिलें और अपना पक्ष मजबूती से रखें ताकि डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। ये चाहते हैं कि हमें नीतू राणा मेरी जो दीदी है उसे न्याय मिले और पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 23 तारीख की घटना आई, 23 तारीख को विनीत सिंह राणा ने राशन देने गए और 24 तारीख को देहरादून लेके गए शिवरात्रि के वहाँ अपनी बहन के वहाँ पर। 25 तारीख को दिन पूरा दिन देहरादून में घुमाया फिराया, रात के 12 बजे उन्होंने क्या कहते हैं हत्या कर दी। इसके भाई जी कुसुमा देवी और भाई ख्याली सिंह और भाभी गुलशन देवी और दूसरा भाई महतो सिंह और एक सोनी देवी, इन्होंने सब मिलकर मेरी दीदी की हत्या कर दी है, बेरहम से मार दिया है। पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जो हरिद्वार में ज्वालापुर की कोतवाली पुलिस है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम 28 तारीख को गए एप्लीकेशन लिखाने, वहाँ पर कोई हमारी एप्लीकेशन नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, हम यूं ही बैठे रहे और हमें गुमराह कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज वहाँ पर नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।